दोस्तों, मैंने मिष्ठान फूड्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये कंपनी का इतना ज़्यादा शेयर प्राइस जो जंप हो रहा है, कहीं ये बबल तो नहीं है जो कि अब ब्लास्ट हो रहा है। दोस्तों, कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए मैंने और कहा था, और शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कुछ टाइम में। तो दोस्तों, मैंने इसी वजह से कहा था, और पीछे नेट प्रॉफिट आपने देखा होगा और EPS वगैरह भी कुछ भी ईयर ऑन ईयर पर देखने को नहीं मिल रहा था। फाइनली दोस्तों, इस कंपनी के क्वार्टर टू के नतीजे भी आ चुके हैं, क्वार्टर वन के नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अब भी इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आते हैं। दोस्तों, इसके जो क्वार्टर टू के नतीजे आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। ईयर ऑन ईयर पर आप देखेंगे जो नेट प्रॉफिट है वो बेहद ही शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ है। तकरीबन आप देख सकते हैं 3.61 लाख से सीधे तकरीबन 6.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है, जो कि तकरीबन 180 गुना ज़्यादा है। और दोस्तों, वहीं EPS जो कि 0 था वो अब आप देख सकते हैं 0.13 हुआ है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी आप देख सकते हैं मामला डबल हुआ है, यानी कि ओवरऑल अगर नतीजे देखें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर में इस कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं। मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो पहले कंपनी के नतीजे आने दीजिए, और मैं अपनी कई वीडियो में इस बात को दोहरा चुका हूं कि किसी भी कंपनी के नतीजे आने के बाद अगर आप फैसला लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा मंडे को क्या होता है, इस कंपनी के नतीजे अच्छे आने के बाद शेयर प्राइस में कितना ज़्यादा जंप देखने को मिलता है। दोस्तों, नतीजे ओवरऑल काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही बताना था, और भी अगर वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख दीजिए। अगर इस कंपनी से रिलेटेड या किसी भी कंपनी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।